everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law & Veins. So today we are going to start with another topic, that is section 5 of transfer of property act, right? So last video mein humne cover kiya tha attestation kya hota hai. Uski pehle ki videos mein hum already cover kar chuke hain kuch topics jaise introduction kya hai, hamare TPA ka objective kya hai, nature scope kya hai is particular act ka, movable immovable properties kya hoti hai. Ye sare topics hum already cover kar chuke hain apni previous videos mein. If you want to see those videos to link niche description box mein diya gaya hai, you can check out those videos, right? And for notes also you can DM me on my Instagram page, that is Law & Veins, and from there I will provide you the notes. Okay, so aaj hum ek new topic shuru karne ja rahe hain, that is section 5 of transfer of property act. Okay, so basically yahan pe hum chapter 2 ki baat kar rahe hain of transfer of property act, which says the transfer of property by act of parties. ठीक है, act of parties के बारे में बात करते हैं, जो कि basically दो parts में divided है हमारा, right? So first part is जो कि rules cover करता है regarding whether it is movable or immovable property, both दोनों के regarding rules cover करता है. And the second part is part B covers the rules regarding ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो ठीक है, सो पहले पार्ट ए की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, और पार्ट ए में जनरल प्रोविजन के अंदर, जनरल प्रोविजन के अंदर हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 5, ठीक है, जिसमें बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन किया गया है. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. तो यहां से हमारा एसेंशियल इंग्रेडिएंट भी हम निकालते चलते. तो पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट निकलता है कि एक लिविंग पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, राइट, एंड एक्ट बाय विच लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, पॉइंट वन. अनदर वन इज टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट. थर्ड टू हिमसेल्फ या तो खुद को, एंड फोर्थ टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स. ठीक है, अदर लिविंग पर्सन्स को वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, उसको परफॉर्म करता है, तो उस चीज को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं. इस सेक्शन में यहाँ पे जो लिविंग पर्सन दिया गया है, इट इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेयर एक्ट लैंग्वेज. ठीक है, अब इससे हमारा एसेंशियल इंग्रीडियंट भी निकल रहा है. तो चार एसेंशियल इंग्रीडियंट निकल रहे हैं आप अगर देख रहे होंगे तो. सबसे पहला एन एक्ट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. सो जब व्हेन वी आर सेइंग कि जो प्रॉपर्टी है वो या तो प्रेजेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या तो फ्यूचर में, सो देन इट बेसिकली मीन्स कि जो ये वर्ड है प्रेजेंट और फ्यूचर, इट मीन्स कि जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी को, राइट, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है या तो विद इमीडिएट इफेक्ट या फिर एक फ्यूचर डेट दे सकता है. तो वो अपने डीड में या डॉक्यूमेंट में वो ऐसे डेट डाल सकता है कि वो आफ्टर द साइनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग वो इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाए, राइट, बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो वो एक फ्यूचर डेट डिसाइड कर सकता है दैट फ्रॉम दिस सो एंड सो डेट दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑफ डीड विल बी इफेक्टिव. ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम, हम जैसे पढ़ते हैं एक्ट्स में, राइट. सो वो चीज है यहाँ पे, वही चीज कही गई है कि वो एक फ्यूचर डेट भी डिसाइड कर सकता है. जब कोई भी ट्रांसफर हो रहा है वो एक इमीडिएट इफेक्ट के लिए हो रहा है, तो जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी स्टैंड्स ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी ऑन द डेट व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग ट्रांसफर आर कंपाइल्ड विद. जब हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करते हैं, राइट, जब हम इमीडिएट इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि एकदम तुरंत हो जाएगा, तो जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी वो ट्रांसफरी के पास वो प्रॉपर्टी चला जाएगा, राइट. जब हम फ्यूचर डेट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर डेट, देन इन दैट सेंस द जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है रिटर्न, और जो ट्रांसफर है वो उस इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है जिस डेट पे फ्यूचर में वो डीड बनाई गई है, फ्यूचर के लिए वो डीड बनाई गई है. सो हमारा पहला पॉइंट इससे कवर हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, या तो एक या एक से ज्यादा लोगों के लिए जब वो ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे लिविंग पर्सन क्या होते हैं, जैसा कि बेयर एक्ट में आपने देखा कि हेयर लिविंग पर्सन मीन्स कि एक कंपनी, फर्म या वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वो भी एक लिविंग पर्सन कहलाएगा, राइट. तो यहाँ पे अगर उसको ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, वो भी एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये चीज मानी जाएगी कि जो लिविंग पर्सन है इट विल इंक्लूड नॉट ओनली पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो कंपनीज हो गए, एसोसिएशन हो गए, जो बॉडीज हो गए आपके,
ऑफ ये इंडिविजुअल जो इनकॉर्पोरेटेड है यानी सारे, लेकिन जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है, जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर दे शुड, वन ऑफ देम शुड नॉट बी डेड, ठीक है, वो दोनों के दोनों जीवित होने चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ध्यान में रखने, बिकॉज ये एक्ट जो है हमारा कोई इंटरव्यू वॉइस चलता है ये इस पर्टिकुलर चीज पे काम करता है, सो बोथ ऑफ देम शुड बी अलाइव एट दैट टाइम, राइट। अब ये ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली जब हम फर्म्स को देने वगैरह की बात करते हैं प्रॉपर्टी या कॉर्पोरेशंस को, तो ये भी बाय वर्च्यू ऑफ फिक्शन ऑफ लॉ बनाया गया है, तो ये जो है ये हमारे ज्यूरिस्टिक ज्यूरिस्टिक पर्संस में आएंगे। सो दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट एंड यू मस्ट नो दिस कि ज्यूरिस्टिक पर्संस कौन होते हैं, ठीक है, ज्यूरिस्टिक पर्संस कौन है। अब या तो बहुत कहीं में आपने देखा हो, बहुत बार ही सुना होगा कि किसी भी हम मूर्ति को भी हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी दान कर सकते, तो क्या हम कर सकते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर मूर्ति है, ठीक है, वो इट इज केपेबल और वो एक ट्रांसफर करने के लिए केपेबल है, राइट, कि कोई भी आइडल या डाइटी है जो उसको हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं क्या एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, जिसको हम किसी आइडल या डाइटी को ऑलरेडी हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन में, देन दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो जो ज्यूरिस्टिक पर्सन होगा वो इज केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बट नॉट एज अ लिविंग पर्सन, ठीक है, एक लिविंग पर्सन ही। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया टू वन और अदर लिविंग पर्सन। नाउ अगर हमारा थर्ड पॉइंट टू हिमसेल्फ, क्या कोई इंसान खुद को कर सकता है, तो ये चीज 1926 में लाई गई, 1926 के पहले ये चीज नहीं थी, बिकॉज अगर कोई पर्सन, लेट्स से कि एक पर्सन है वो ट्रस्ट को देना चाहता है एंड उस ट्रस्ट का सोल ट्रस्टी वो खुद है, तो इन दैट केस 1926 के पहले ये काफी डिफिकल्ट होता था कि वो खुद को ट्रांसफर नहीं कर पाता था, लेकिन आफ्टर 1926 के अमेंडमेंट के बाद कोई भी ट्रांसफर कर सकता है खुद को प्रॉपर्टी, जब वो एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर रहा है एंड वो पर्सन खुद ही एक सोल ट्रस्टी है, ठीक है। तो ये 1926 के अमेंडमेंट के बाद हुआ, ये टू हिमसेल्फ, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज हमारा कि ट्रांसफर टू वन और मोर देन अदर लिविंग पर्सन, एक या एक से ज्यादा लोगों को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या कहता है हमारा बेसिकली सेक्शन 5। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, विल कंटिन्यू विद अनदर सेक्शन बिकॉज सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।